Allah, Allah, Allah. दावत इस्लामी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में जितना जानते जाएंगे इन शाह आपका प्यार आपकी मोहब्बत दावत इस्लामी से बढ़ती चली जाएगी बस चंद मिनट आपके दरकार हैं तवज्जो के साथ इस प्रेजेंटेशन को आपने देखना है मदनी काफलों के जरिए कराची शहर से आशिकाने रसूल ने सफर शुरू किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और फिर यह सफ़र बढ़ते बढ़ते दुनिया के कई मुल्कों में बढ़ गया और इन मदनी काफलों की बरकत से यह पैगाम आज दुनिया के डेढ़ सौ से जायद ममालिक पहुँच चुका है दावत इस्लामी का एक बहुत खूबसूरत मदनी मकसद है एम है और वह क्या है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की असलाह की कोशिश करनी है सुबह लल्ला सारी दुनिया के लोगों की इसह की कोशिश के लिए हमने मदरी काफिले के बारे में सुना अपनी इसलाह के बारे में आप जानते हैं एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम कबला शेख तरीक तमी सुन्नत ने हमें अता फ़रमाया जिसको नेक आमाल कहा जाता है मज़ीद आसान ये कर दिया गया कि इसकी एक एप्लीकेशन भी बना दी गई है आप नेक आमाल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल पर ही बैठे बैठे ज़रा अपने आमाल का जायज़ा लीजिए अब बात करते हैं दावत इस्लामी के कमाल के शोबे जामियातलमदीना के बारे में दावत इस्लामी ने एक ऐसा शोबा बनाया जिसमें उलमा प्रोडक्शन की जाती है दावत इस्लामी के मुल्क और बैरून मुल्क में तेरह सौ उन्नीस के करीब जामियातुल जामतीना बन चुके हैं और इसमें एक लाख सात हज़ार से ज़्यादा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें यानी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अब तक तकरीबन तक बीस हज़ार स्टूडेंट्स ने दरस निज़ामी कम्प्लीट कर लिया है यानी हज़ारों उलमा इस उम्मत को दावत इस्लामी प्रोवाइड कर चुकी है और हर साल प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान के अलावा नेपाल बांग्लादेश UK. निया साउथ अफ्रीका श्रीलंका यूएसए ए मोजम्बिक मॉरिशस होंगकोंग कैनेडा स्पेन हिंदुस्तान मलावी इटली युगेंडा तंजानिया जहां इंग्लिश बोली जाती है वहां इंग्लिश में दरस नज़ामी करवाया जाता है जहां बंगला जबान बोली जाती है वहां बंगला जबान में दरस नजामी करवाया जाता है जहां अफ्रीकन लैंग्वेज है वहां अफ्रीकन लैंग्वेज में दरस नजामी करवाया जाता है मदरसतुलमदी कुरान पाक को घर घर पहुँचाने का जो निज़ाम दावत इस्लामी ने बनाया वो अपनी मिसाल आप है क्योंकि आज जो उम्मत के हालात हैं उसमें एक बड़ी वजह कुरान पाक से दूरी है तो इस्लामी के इस वक्त 6,478 हज़ार चार मदरसे मौजूद हैं इसमें इस वक्त तकरीबन दो लाख स्टूडेंट्स जो हैं कमोबेश विदाउट फीस कुरने पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं इस पर बॉयज़ भी हैं इस पर गर्ल्स भी हैं बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी हैं कि तकरीबन एक लाख एक हज़ार के करीब हाफिज़ कुरान बन चुके और तकरीबन तीन लाख अड़तीस हज़ार के करीब बच्चों और बच्चियों ने नाजरा कुरान ख़त्म कर लिया है यानी अब तक चार लाख चालीस हज़ार के करीब बच्चे और बच्चियाँ हिफ्ज़ नाजरा मुकम्मल कर चुके हैं पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका मलावी जब्बावे नावे यू साउथ अफ्रीका हांगकांग, कीनिया, युगेंडा तंजानिया नाइजेरिया इटली यूएसए, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया बहरीन मॉरिशस मोजम्बिक सोडान स्पेन हिंदुस्तान दुनिया के इतने सारे मुल्कों में दावत इस्लामी कुरान पाक के नूर को फैलाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी दुनिया में कहीं भी हैं अपनी मर्ज़ी के वक्त के मुताबिक आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं दरस नदामी कर सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं स्क्रीन पर आप कोर्सेज़ की कुछ डिटेल देख रहे होंगे ये थर्टी के करीब कोर्सेज अलहमदिल्ला दावत इस्लामी का ये शोबा फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी हमें ऑफर कर रहा है मोर देन दे स्टूडेंट रोजाना ऑनलाइन कुछ ना कुछ इल्मेदीन हासिल कर रहे हैं और ये तकरीबन सेवेंटी नाइन कंट्रीज से ऑनलाइन होते हैं और हमारे कारी साहिबान इस्लामी भाई और इस्लामी बहने उन्हें दिन सिखा रहे हैं मस्जिद और मदारिस की तामीरात का शानदार डिपार्टमेंट मजलिस से खुदामुल मसाजिद वल मदारिस वक्त इस दावत इस्लामी साल की कम उेश छ सौ के करीब मस्जिदें बना रही होती है कहीं प्लॉट खरीदा जा रहा होता है कहीं तामीर हो रही होती है और चंद दिनों बाद हम सुनते हैं कि मस्जिद का अफ्तः हो गया नागरी मजीद दुनियावीमूम हासिल करने के लिए अपने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जिसमें एक खूबसूरत इम्तज़ाज है एक खूबसूरत मिक्सचर है दीनी उलूम का भी और दुनियावीम का भी दारदीना के दो खूबसूरत डिपार्टमेंट हैं दारदी इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम और फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम इसके अंदर आपको जानकर खुशी होगी कि दारालमदीना के साथ साथ जो फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम बनाया गया वो गरीब इलाकों के बच्चों के लिए एक नॉमिनल फीस के अंदर वो भी इल्म दीन और दुनियावी हासिल कर सकें तो इस सके हमारे ऑलमोस्ट एक सौ बयालीस कैंपस बन चुके हैं मुल्क में और बैरून मुल्क में इसमें नाइन्टी एट पाकिस्तान में हैं और फोर्टी फोर ओवरसीज में हैं और अलहमद ला तकरीब चौंतीस हजार से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो हमारे इस स्कूल सिस्टम में भी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं दारालमदीना कॉलेज का क्याम भी अमल में आ गया है और इन शन करीब दारदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी आगाज हो जाएगा दावत इस्लामी ने अपना एक चैनल बनाया तकरीबन सात सेटेलाइट के जरिए देखा जा रहा है और वह हम सब मदनी चैनल है उर्दू मदनी चैनल के साथ

अल्लाह तो तार रूप। चैनल, की रोजाना चैनल पर सिर्फ बच्चों के लिए पेश की जाती है इस्लामी ने यह किया अपने इस्लामिक कार्टून बना दिए इस्लामिक एनिमेटेड खाके बनाए गए हमारे इन इस्लामिक कार्टून का रिजल्ट यह आया कि इस वक्त यूट्यूब पर हमारे कार्टून फोर्टी मिलियन और थर्टी मिलियन से ज्यादा बच्चे और बच्चिया

अल्लाह की रहमत से पका हुआ खाना और राशन पहुंचाया गया कैश रुकूम पहुंचाई गई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं साउथ अफ्रीका में कीनिया में नेपाल में बांग्लादेश में इंडिया में बल्कि यूके में भी जो लोग घरों में महसूर हो गए थे लॉकडाउन में उन तक भी राशन वगैरह और खाना वगैरह पहुँचाया गया थेलीमिया के मरीजों की जो हेल्प की गई आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं अगर मेरा खून किसी काम का हो तो मैं हाजिर हूँ मेरा खून में इन मरीजों को देने के लिए तैयार हूँ और इस ऐलान के बाद तो नाजरीन कमाल हो गया हस्पतालों में लाइन लग गई और आशिकान रसूल अपना खून देने के लिए पहुंच गए खून का अतिया दिया और आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त तक पचपन हज़ार से ज्यादा खून की बोतलें दावत इस्लामी की तरफ से दी जा चुकी हैं और ये किसी भी एन जी ओ का ऐसा कारनामा है जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ मदरी होम क्या है यतीम खाना पहला मदरी होम कराची में बन रहा है और इन शाह इसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में बनाई जाएंगी मदनी हेल्थ केयर सेंटर एक मदनी हेल्थ केयर सेंटर बन चुका है कराची में और अब इसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान और फिर बाद में दुनिया के कई मुल्कों में बनाई जाएंगी जिसमें सस्ता मीयारी और शर् तकाज़ों के मुताबिक इलाज फरहम किया जाएगा दुनिया जो है इसका जो मौसम है वो बहुत बदल रहा है और इसकी बड़ी वजह साइंसदान बताते हैं कि दरख्त काटे गए फॉरेस्ट खत्म किए गए एक नारा लगाया गया पौधा लगाना है दरख्त बनाना है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल फरवरी में और सितंबर में शदरकारी की जा रही है अब तक हम 26 लाख पौधे लगा चुके हैं और वो बड़े होते चले जा रहे हैं और इन ये अमल हम जारी रखेंगे ताकि इस उम्मत को हमारे वतन को भी और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी पौधे लगा आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ फराहम करें और हमारे इस क्लाइमेट में भी शानदार किरदार अदा करें माजूर बच्चे लोग तो इन्हें माजूर कहते हैं मैं माजूर नहीं स्पेशली एबल बच्चे एक तो ये इलाज महंगा बहुत है और इतना आसानी से मिलता भी नहीं है एफ जी आर एफ ने डिपार्टमेंट बनाया एफ आर सी फैज़ान रिहेबलीटेशन सेंटर कराची में इसकी दो ब्रांचेज बन चुकी हैं फैसलाबाद में इसकी एक ब्रांच बन चुकी है और मजीद ब्रांचेस पर काम हो रहा है हमारा इरादा है कि इन शह हज़ारों की तादाद में इन माजूर बच्चों की तरबियत की जाए इनका इलाज किया जाए और दुखियारे माँ बाप की दुआएँ हासिल की जाए दो हज़ार बाईस में जो सैलाब आया उसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया करोड़ों लोग मुतासर हुए लाखों लोग बेघर हो गए इस वक्त भी मैं बात करूं जनवरी 2023 की पांच महीने हो गए सैलाब को आए हुए अब भी हज़ारों लाखों लोग पानी में हैं आपकी दावत इस्लामी का शोबा एफ जी आर एफ उन्हें भूला नहीं है एफ जी आर एफ ने अब भी अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं हमने करोड़ों लोगों तक जो है वो पका हुआ खाना राशन पहुंचाया टेंट्स दिए उन्हें टेंट बस्तियों में आबाद किया उनकी वहाँ दीनी तरबियत भी की फिर मेडिकल कैंप्स लगाए ना सिर्फ इंसानों के मेडिकल कैंप्स लगाए बल्कि सैलाबदा एरिया में जाकर जानवरों के कैंप्स लगाए क्योंकि गाँव गोठ के लोगों के लिए जानवर बच्चों की तरह होते हैं उनका इलाज किया गया और फिर उसके बाद नाजरीन अब उनके घर बनाने का सिलसिला है हमारा हमारा टारगेट बारह हज़ार घर बनाना है लेकिन घर लाखों टूटे हुए हैं हमें एहसास हुआ कि जितना पानी सूखना था या जितना पानी निकलना था वो निकल गया अब पानी नहीं निकल रहा तो कई इलाकों में हमने पंप लगाकर करोड़ों रुपए का डीजल लगाकर पानी निकालना शुरू किया हम 1 बिलियन गैलन एक अरब गैलन पानी निकाल चुके हैं जिसमें बीस हज़ार एकड़ ज़मीन पानी से फारिग अलहमदिल्ला हो गई अभी पाकिस्तान के सैलाब जदगान की हेल्प जारी थी कि छः फरवरी दो हजार को एक खौफनाक जलजला तुर्किया, शाम और दीगर इस्लामी ममालिक में आया जिसने सिर्फ चालीस सेकेंड के अंदर वहाँ के हालात बदल कर रख दिए बड़े दर्दनाक मनाजिर है लाखों लोग मलबे के तहत दबे हुए हैं हजारों लोग दुनिया से जा चुके हैं सर्दी की रातों में बेसरो सामान बच्चे बूढ़े मर्द खुवान पड़े हैं ऐसे वक्त में भी दावत इस्लामी का शोबा एफ जी आर एफ उन्हें भूला नहीं फौरी तौर पर वहाँ इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई है इनशाला हमने टारगेट सेट किया है

जी हाँ लोग जॉब पर हैं मुल्क और बैरून मुल्क में बावन हज़ार खानदान जो हैं वो दावत इस्लामी के साथ इस अंदाज से मुंसलिक हैं कि उनके घर के अखराज दावत इस्लामी की तरफ से चल रहे हैं यकीन मानिए दावत इस्लामी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे कामों को बयान करना चंद मिनटों में मुमकिन नहीं है गुजारिश यह है कि दूर रहकर दावत इस्लामी को ना देखें आप भी दावत इस्लामी के पार्टनर बन जाए दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई है सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई है